आज हम लोगों ने नेशनल अकाली दल और स्वीप इवेंट दोनों की तरफ से स्लम एरिया में इन जरूरतमंद परिवारों के लिए और बच्चों के लिए सैनिटरी नैपकिन, हैंड वॉश, सैनिटाइजर और पुराने कपड़े और खाने पीने का इंतजाम किया। इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा जी का, हमारे परमजीत जी का जो हमेशा हमारे साथ सपोर्ट करते रहे और एक चीफ गेस्ट की तरह हमारे साथ देते रहे और बाद में सारी संस्थाओं का और अपनी टीम मेंबर्स का, शोभा जी हैं, उषा जी और गुरु गोविंद सिंह सेवा सोसाइटी, सुनीता अरोड़ा जी, सभी संस्थाओं ने, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी संस्था जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मुझे खुशी है कि उन सब लोगों ने मुझे मदद की और बहुत जल्द ये सभी समाज सेवी नारी और पुरुष जिन्होंने इस मिशन में मुझे अपना सहयोग दिया, सभी को हम राष्ट्रीय सम्मान के साथ सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। मैं परमजीत सिंह पम्मा, अध्यक्ष नेशनल अकाली दल, आज बड़ी खुशी है कि जिस प्रकार सुरित इवेंट बार नेशनल अकाली दल कल्चर विंग ने ये कार्यक्रम रखा है, बच्चों को जिस प्रकार कपड़े, सैनिटाइजर, महिलाओं के लिए सामान रखे हैं, इसके लिए मैं रश्मित कौर बिंद्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार का वह कार्य लगातार करती आ रही हैं। और त्रिलोचन सिंह जी जो इनकी संस्था को गोविंद सिंह जी सोसाइटी की ओर से भी मदद दी गई है, तो ये सब एक हमारा जो अभियान चल रहा है उसका मेन मकसद है कि हम जरूरतमंद जो अपने बच्चे हैं या बहने हैं उनके लिए कोई ना कोई मदद करते रहे। और इस प्रकार ही नेशनल अकाली दल की जो कल्चर विंग की जो अध्यक्ष रश्मित कौर बिंद्रा जी, वो हमेशा ऐसे कार्यक्रम करती रहती हैं और हमें चाहिए कि हम लोगों को जागरूक करते रहें, इन बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचें, क्योंकि ये बच्चे आने वाला हमारा जो भविष्य सुधार सकते हैं। आज जिस प्रकार बच्चे ऑनलाइन गेमों या किसी प्रकार के भी गलत गतिविधियों में है उसको रोकने का पूरा प्रयास करें और इन बच्चों को जगह जगह समय समय पर बुलाकर खेल कूद या अन्य कार्यक्रम कराएं, जिसमें आने वाले समय में ये बच्चे खिलाड़ी, कलाकार या और स्थानों पर भी अपने भारत का नाम ऊंचा कर पाए। तो मैं आप सब बच्चों को भी बधाई देता हूँ जो आप यहाँ पर आए, आपका भी धन्यवाद करता हूँ और पूरी टीम का, रश्मित कौर बिंद्रा जी की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ।